बाड़मेर शहर में एक युवक को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बुधवार रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी अनुसार बाड़मेर शहर निवासी सवाईलाल माली को न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास आरोपियों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे बाड़मेर राजकीय अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहाँ से चिकित्सकों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर में भी सवाईलाल की तबीयत ज्यादा खराब होने पर अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका अहमदाबाद में उपचार चल रहा है। एक युवक पर जानलेवा हमला, पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास और फिर जलता हुआ युवक 5-7 किलोमीटर बाइक चलाकर अपने घर पहुंचा और फिर अस्पताल। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि बाड़मेर शहर में बीती रात हुई सनसनीखेज वारदात है, जिसमें पीड़ित युवक का गंभीर हालत में अहमदाबाद के अस्पताल में उपचार चल रहा है। दरअसल गायत्री चौक निवासी सवाईलाल पुत्र ओम प्रकाश माली उम्र 24 वर्ष पर बुधवार देर रात 2 बजे न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। सवाईलाल को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। वहां से जलती हुई हालत में सवाईलाल जान बचाकर भागा और अपनी बाइक पर न्यू अम्बेडकर सर्किल से गायत्री चौक स्थित अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इस पर उसके परिजन गंभीर हालत में उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने पे उसे जोधपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे जोधपुर ले गए, जहां अस्पताल में उसकी तबीयत बिगड़ी तो वहां से भी उसे अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल सवाईलाल का अहमदाबाद के अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर कोतवाली थानाधिकारी जबर सिंह का कहना है कि पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि पीड़ित युवक न्यू अंबेडकर सर्किल से जलती हुई हालत में सिणधरी चौराहा और फिर मुख्य मार्गों से होते हुए गायत्री चौक पहुंचा, लेकिन कहीं पर भी पुलिस के जवानों ने उसे नहीं रोका। ऐसे में इस घटना से रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।